हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के दलाश नामक स्थान पर ऋषि पंचमी मेला बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ देवी देवताओं को भेंट स्वरूप नई फसल चढ़ाने की एक अनूठी परंपरा है। गांव के लोग अपने इष्टों का स्वागत सेब अखरोट व दूसरी फसलों को चढ़ाकर करते हैं। इस दौरान मेला मैदान में देव वाद्य यंत्रों की धुनों पर हजारों की संख्या में लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र अपनी अनूठी दैवीय परंपरा के कारण संस्कृति को संजोए रखे हैं। यह कुल्लू जिला के आनी उपमंडल क्षेत्र के दलाश पंचायत का उत्सव है। इस दौरान मेला मैदान के चारों ओर बैठी महिलाएं फल और अनाज मैदान में नृत्य कर रहे देवताओं की ओर फेंकती हैं। इस तरह भेंट स्वरूप अपनी फसल को चढ़ावा इष्टों पर फेंकने से खुशहाली बनी रहने की मान्यता है। हालांकि देवलुओं को अपने देवताओं के पालकियों में लगे मोहरों को फलों की बरसात से चोट न लगे बचाने में इस दौरान पसीने छूटते हैं, जबकि महिलाओं द्वारा फेंके गए फलों को लोग प्रसाद स्वरूप पकड़ने की होड़ में रहते हैं। इस प्राचीन व ऐतिहासिक मेले को क्षेत्र में ऋषि पंचमी मेला के रूप में जाना जाता है। मेले के अंतिम दिन चारों देवताओं के रथ शिव मंदिर दलाश से देवलू नाचते गाते मेला मैदान तक पहुंच जाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह एक पारंपरिक मेला है। इसे मनाने के लिए आसपास के इलाकों से हजारों लोग आते हैं और खूब नाच गान करते हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में आती है और नृत्य करते हुए भेंट स्वरूप अखरोट सेब व हाल ही में तैयार हुई फसलों को देवताओं के ऊपर फेंका जाता है। मेला जन समिति प्रधान विद्यासागर ने बताया कि दलाश में ऋषि पंचमी मेला धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मेले का आगाज देवताओं के आगमन से होता है और उसके बाद देव मिलन व नृत्य आकर्षण का केंद्र रहता है। मेला मैदान पहुंचे लोग देवताओं पर अखरोट सेब जौ गेहूं आदि चढ़ावा स्वरूप फेंकते हैं। मान्यता है कि इससे फसल की पैदावार अच्छी होती है और क्षेत्र में समृद्धि बनी रहती है। जो हमारी पहली फसल पैदा होती है अखरोट है गेहूं है उनके ऊपर नजर बरसाते हैं ताकि हमारी फसल की दिन दुगनी रात चौगनी हर साल उस क्षेत्र की उन्नति हो और फसल में भी बढ़ोतरी हो। उसको पहला भोग जो हम चढ़ाते हैं इस देवते के नाम से चढ़ाते हैं हम। ये हमारा एक पारंपरिक है और इस मेले के एक आकर्षण है। एक हमारी यहाँ पर एक सामूहिक नाटी भी लगती है जो इस मेले का एक आकर्षण का केंद्र है। साथ में इसमें सब लोगों की इतनी भागीदारी है, हमारी महिलाएं सुबह पहुंच जाती है 9-10 बजे। बड़ी धूमधाम से मेला मनाया जाता है, साल में एक बार आ जाता है ये मेला और हम यहाँ पे अपने ड्रेस लेके आए हैं यहाँ पे मेला करने के लिए। हम यहाँ पे लगभग ये जो लास्ट मेला है ये काफी समय से चलता आ रहा है। यहाँ पे बहुत से गांव के लोग आते हैं, लगभग दर्जनों तो आ ही जाते हैं और इस मेले में बहुत सारे देवी देवता आते हैं, जैसे 3-4 देवी देवता है। हम इन देवी देवताओं का स्वागत अखरोट सेब अनाज फेंके करते हैं और हम इस मेले को बड़े धूमधाम से मनाते हैं।